आज मैं आपको क्रिस्पी लावा बॉल की रेसिपी, चॉकलेट मेल्टेड लावा बॉल की रेसिपी दे रही हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए 4 अदर ब्रेड स्लाइस, उसको मैंने अराउंड काट ली है, ठीक है। और ये देखिए मेरे पास नॉर्मल सादा दूध है, इसके अंदर ये गर्म नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल दूध है, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ। इसको मैंने दोनों हाथों से डिप किया और हल्के हाथ से इसको मैंने प्रेस कर लिया, प्रेस किया। अब इसके अंदर मैंने चॉकलेट की फिलिंग करूँगी। आप ये मेरे पास होममेड चॉकलेट है, आप इसकी जगह डेयरी मिल्क की चॉकलेट, कोई भी आप फ्लेवर की चॉकलेट रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट की जगह मैंने अखरोट इस्तेमाल किए हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये देखें, अब मैं इसको हल्के हाथ से दबा कर इसका एक बॉल बना लूँगी। ये देखें, इसका मैंने बॉल बना लिया। अब इसको हमने क्रिस्पी करने के लिए मुझे कॉर्नफ्लेक्स की ज़रूरत है, इसको मैंने ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया है और इसकी कोटिंग करेंगे। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, इसी तरह इसको कॉर्नफ्लेक्स लगा कर आप फ्रिज में रख लें। और जब भी पॉलिथीन बैग में रखना है ना, जब भी आपका दिल करे इसको थोड़ी देर बाहर रखें और गर्मा गर्म तेल में फ्राई करके अपने पार्टी में रख सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये लें, ये बच्चे और बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। अब मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा था कढ़ाई में, हमारा ऑयल गरम है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने इसे फ्राई करना है। 5-6 मिनट में ही हमारे ये फ्राई हो जाएंगे। एक हेल्दी रेसिपी है कॉर्नफ्लेक्स के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कैसी लगी। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल का बटन ऑन रखें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।